और नंगे पैर चल रहे बाबूजी। बाबूजी नंगे पैर आज से नहीं, मुझे 17 साल हो गए। अच्छा, तब से मतलब मैं बचपन से बचपन की उम्र से साधु हूँ, तो इसी कारण मेरा यही त्याग है, मेरे गुरु का भी आज यही उनका आशीर्वाद है। तो आपके उसमें ये है कि जूते वगैरह चप्पल वगैरह नहीं, मैं नहीं पहन सकता हूँ। अच्छा, और आपने ये बताया अभी कि खाना वगैरह भी नहीं खाते आप, ये जड़ी बूटी वगैरह खाते हो, हाँ तो क्या क्या जड़ी बूटी मतलब क्या आई, क्या? इसका कोई पता नहीं है। हरी का प्रसाद सब है, हाँ कोई सा भी उनके नाम से प्रसाद ले सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मुझे एक संत देखने को मिले, महाराज जी नमस्कार, क्या नाम है? हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालक दास है। और नंगे पैर चल रहे बाबूजी। बाबूजी कहाँ से आ रहे हो अभी? जिला ग्वालियर से, अच्छा, तो ये चिमटा वगैरह रखे आप कौन से उसके हो? वैष्णव संपदा के हैं, दिगंबर अखाड़े के हैं। अच्छा, क्या अघोरी? नहीं, रामानंदी। रामानंदी। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी जा रहा हूँ मैं उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे हर घूम के यहाँ से यमुनोत्री करके आया हूँ। अच्छा, तो पैदल नंगे पैर? नंगे पैर आज से नहीं, मुझे 17 साल हो गए। अच्छा, तब से मतलब मैं बचपन बचपन से? की उम्र से साधु हूँ, तो इसी कारण मेरा यही त्याग है, मेरे गुरु का भी आज यही उनका आशीर्वाद है। तो आपके उसमें ये है कि जूते वगैरह चप्पल वगैरह नहीं, नहीं मैं खाते? नहीं पहन सकता हूँ। अच्छा, और आपने ये बताया अभी कि खाना वगैरह भी नहीं खाते आप, ये जड़ी बूटी वगैरह खाते हो, हाँ तो क्या क्या जड़ी बूटी मतलब क्या आई, क्या? इसका कोई पता नहीं है। हरी का प्रसाद सब है, हाँ, कोई सा भी उनके नाम से प्रसाद ले सकता हूँ। पार्ट में चाहे ऐसा होता कोई जहरीली बोलते हैं? जहरीली होती है वो, हरी ही आते हैं, हरी ही उसको संभालते हैं। मेरा कोई कर्म नहीं है, सिर्फ हरी का कर्म है। मैं तो उसके नाम से खा ले आता हूँ, तो वो जैसी मीरा कैसी कहानी बन जाती है, जैसे महाराज राणा प्रताप जी ने जहर दिया था उनको, मीरा जी को, तो वो कृष्ण कन्हैया पी के गया था, अमृत बन गया था। इसीलिए वो संतों की पगपग पे धरता ध्यान, मेरा हरी नारायण सबका सदा सुखी रखता है, वो सदा संत के साथ रहता है। छल छदम मोय न भावे, नर छल कपट मोय न भावे, मैं सदा संग वो तो कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम कैसे करते जाओ, तुमको दिखता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चलता है। हाँ, आप किसे मानते वैसे, नारायण के शिव को, किसको? मैं देखिए मैं मानता तो सबको हूँ, और फिर मेरा इष्ट है श्री राम। श्री राम, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको दिख, हनुमान जी की वज्र देह से पसीना टपका था, इसका नाम है तेजपल। अच्छा, उसका पेड़ का ये सौटा बना हुआ है, भैरों का नहीं है ये। पर भैरों को भी होता है ना ऐसे? ये तो देखो ये चार संप्रदाय में सभी का चलता है, अच्छा, लेकिन ये मुख्य चीज है रामादल की, और यह जड़ी है, ये तो साधु संतों के हथियार हैं, इसमें कोई अवस्था नहीं है। और इन जन जीड़ी हुए हमारे जो उत्तरकाशी में जो 88,000 ऋषियों की तप की भूमि का निकला हुआ है, ये सब जो आज संसार देखने आया है, ये ऋषियों की ही प्रकृति है। हाँ, जो ये चिमटा है, चिमटा किसका है? चिमटा हमारा है, हम्म, हम चिमटे के साथी हैं। अभी आधा सामान लिए हम, पांच पांच हथियार हैं हमारे पास, लेकिन हमको यही सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमको तामसम नित्य, तामसम नित्य, तिथार्सम, हमें तामसम भोजन पसंद नहीं, हम लहसुन प्याज के खबासी नहीं। जितने हमारे वैष्णव साधु हैं मदिरा वगैरह, दिगंबर अखाड़े के, वो किसी मांस मदरा का भाग बेसन नहीं करते हैं। और हमारे यो भारत में जितने 88,000 ऋषियों की जब संतानें हैं, वो सभी साधु हैं। ये चार संपदा, बावन द्वारे, सभी संत जो हैं, इनके आशीर्वाद से मैं छोटा सा एक दास हूँ, बालक दास मेरा नाम है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज चल रहा हूँ संसार में। तो आप तपस्या वगैरह भी करते हैं ऐसे पहाड़ों में, हाँ बर्फ मैं, वगैरह में? हाँ, अगर वक्त बन जा, कहो रात बीत जा, तो मैं इसी पहाड़ में मेरा विश्राम हो जाए, इसका कोई नहीं है। जिसका नारायण है उसका संसार में सब है, कौन किसका नाता है संसार में, सब नारायण से भजन करिए। उस नारायण ने जब गर्भ गुफा में आपसे वचन दिलवा दिए थे, ये 9 महीने माँ की कोख में पड़ा रहा, फिर उसके बाद माँ ने, वह धरती में आया, यहाँ सब भूल गया है, और जब उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, आखिरी में जो नारायण को नहीं जपता है, तो उसको आखिरी में नारायण का नाम ही लेके पार उतरना है। और कुछ ज्ञान की बातें देना चाहते हो आप? तो ज्ञान की बात ये है, मेरी रक्षित है कि आप लोग अपना
अहंकार का नामांतर त्याग दें और इसको अच्छे प्रवर्तन में बदल दें तो आपकी मुक्ति नारायण के चरणों में हो। तो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हो तो लोग मतलब कैसा वो है लोगों का व्यवहार कैसा है आपके साथ? व्यवहार ऐसा है कुछ जानते हैं जो नारायण को मानते हैं इस भारत भूमि में उनका सदा कल्याण है और जो हैं जैसा भी अभी बराबर का चल रहा है यानी कोई कम है तो कोई बड़े है तो कोई सब बराबर का चल रहा भारत के अंदर जो हो रहा अच्छा ही हो रहा वो बुरा भी हो रहा है। हम तो बुरे को भी अच्छे में बदल लेंगे क्योंकि हमारी नित्यता दृष्टता ये है कि भगवान से मतलब है और जो आदमी ठोकर खा लेता है वह भारत का प्रभु के चरण में जाता है। ऐसा अभी तक ये धर्म स्थल है भारत भूमि माता है अपनी माँ की लाज हम कभी नहीं डुबा सकते हैं क्योंकि हम लोग जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भारत माँ की हम बालक हैं भैया भारत में जो रहते हैं भारत का देश का नागी जितना है वो राम का पंथ है। ये बोलिए श्री राम राजा सरकार की।